Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. नमस्कार दोस्तों, 26वीं वीडियो है लक्ष्मीकांत की। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 22 का जो टाइटल है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 23 का जो टाइटल है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 के लिए जितनी डिटेल जरूरी है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने ये किताब खरीद के अपने सामने रख ली होगी, मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। वीडियो पे शेयर जरूर मार दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, आर्टिकल 22 किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है? ये दो चीजों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, एक तो अरेस्ट के अगेंस्ट, एक डिटेंशन के अगेंस्ट। अब देखिए, अरेस्ट क्या होता है दोस्तों? अरेस्ट ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया और आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो भाई वो क्राइम क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, वो क्राइम सिविल ऑफेंस भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने डिफेमेशन किया किसी पब्लिक डिग्निटरी को या किसी नेता को या किसी और इंसान को भी, आपने कुछ ऐसा बोला जिससे उसकी इमेज खराब हो सकती है, उसको कुछ नुकसान हो सकता है, उसके बिजनेस को नुकसान हो सकता है, उसकी पब्लिक इमेज को नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उस आदमी को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपने कहा है गलत है, आपको आप उसको मेलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके खिलाफ डिफेमेशन का कोर्स ठोक सकता है। उस डिफेमेशन के कोर्स में अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये तो हो जाएगा सिविल अरेस्ट। मान लीजिए आपने मर्डर कर दिया, उसके लिए आप अरेस्ट होते हो, तो हो जाएगा क्रिमिनल अरेस्ट। तो अरेस्ट दो तरीके के होते हैं। डिटेंशन में क्या होता है? देखिए, डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूनेटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर आपने गलती कर दी है, अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो उस ऑफेंस को करने के बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, आपके ऊपर ट्रायल चलेगा, आपको कोर्ट में लेके जाया जाएगा, पुलिस आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी, उस चार्जशीट में बताया होगा कि भाई यह आदमी सही है या आदमी गलत है, उस चार्जशीट को कोर्ट देखेगा, कोर्ट सारे जो फैक्ट्स हैं उनको कंसीडर करेगा और एंड में अपना डिसीजन सुनाएगा। उस डिसीजन में जो जज है वो या तो बोलेगा कि आई फाइंड यू गिल्टी या बोलेगा आई डू नॉट फाइंड यू गिल्टी। तो अगर उसने आपको गिल्टी फाइंड कर लिया तो उसने आपको कन्विक्ट कर लिया, आपको सजा सुना दी, इस सजा के बाद आप जेल में चले जाओगे। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पुनिटिव डिटेंशन, यानी कि आपने कोई ये गलती करी और आपको उस गलती की सजा मिली। तो ये जो पुनिटिव डिटेंशन है ये तो चलिए ठीक है, पूरी दुनिया भर में चीजें इस तरीके से होती होनी भी चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है हमारे सोसाइटी के, आप उनको खुलेआम नहीं छोड़ सकते, खुलेआम छोड़ दिया तो सोसाइटी का जीना हराम कर देंगे वो। लेकिन जो डेंजरस चीज है हमारे संविधान में वो है भैया प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है? आपने किसी पर्सन को डिटेन कर लिया विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी कन्विक्शन, ये डेंजरस है दोस्तों। फिर आप ये बोलोगे कि भाई प्यूनेटिव डिटेंशन में भी तो अरेस्ट किया था। देखिए हाँ, प्यूनेटिव डिटेंशन में दोस्तों आपने अरेस्ट किया था, बट अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के सामने उस पर्सन को लेके जाना पड़ेगा, और वो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेगा कि हाँ भाई आप इसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं या फिर जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं, दोनों ही केसेस में वो रहेगा जेल में ही, ठीक है। अब पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है, जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क है, वो एक बात की वीडियो का टॉपिक है। तो नॉर्मल केसेस में अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलावा किसी और ऑफेंस में, मान लीजिए प्यूनेटिव डिटेंशन में अरेस्ट किए जाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के जज के सामने लेके जाना पड़ेगा, जज बोलेगा कि इसको हिरासत में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या हो रहा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको अरेस्ट कर लिया गया, और आपको अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप कोई एक ऑफेंस कर चुके हैं, आपको अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इस बात का चांस है कि आप ऑफेंस कर सकते हो, इसलिए आपको प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस। ये बहुत डेंजरस बात है दोस्तों। देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करें आज की डेट में, जो मॉडर्न दुनिया है जहां पे एक ह्यूमन बीइंग के साथ पास पूरी ट्रॉपर ये पावर है, जैसे आप हमारे संविधान की बात कर लीजिए, हमारे संविधान की जितनी भी पावर्स हैं वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं? इस देश के लोगों से ओरिजिनेट करती हैं। प्रीएम्बल पढ़ा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कितनी बार बताया मैंने पहले आपको, तो भाई प्रीएम्बल में ही लिखा है कि हमारे संविधान की, इस देश के संविधान की जितनी भी ताकत है वो इस देश के लोगों से ओरिजिनेट होती है, और उस देश के लोगों से अगर ताकत ओरिजिनेट कर रही है तो अगर वो देश के लोग कोई ऑफेंस कमिट ही ना करें, उसके बावजूद कि वो एक ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, इस बेसिस पे आप किसी को अरेस्ट कर लो, क्या ये सही है? अब ये सही है दोस्तों या ये गलत है, इसके देखिए बहुत से हित में भी आर्ग्यूमेंट है, बहुत से आप कह सकते हो
अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट है, जो हित के आर्ग्यूमेंट है, जो अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट है, वो तो देखिए ज्यादा यहां पे दिए नहीं है। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स बता सकता हूं आगे। तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन को एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर मतलब सस्पिशन के बेसिस पे, शक के बेसिस पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। तो भाई आपको लगता है कि कोई एक पर्सन है जिसका आईएसआईसीस के साथ कोई कनेक्शन है, वो यहां पे बम ब्लास्ट कर सकता है, तो इस सस्पिशन के बेसिस पे आप एक पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई एक पर्सन की कोई बहुत ही ज्यादा जाती दुश्मनी किसी दूसरे पर्सन से, तो दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचा सकता है, इस बेसिस पे आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जो लॉ आप कह सकते हैं होल्डिंग अथॉरिटी होती है, एक ऐसा पर्सन जिसके हाथ में अथॉरिटी है, वो अगर प्रॉपर तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तभी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को जस्टिफाई कर पाओगे। अगर अथॉरिटी वाला इंसान गलत तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा तो कभी भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो आप देखोगे जो अथॉरिटी में है लोग, वो अपनी गलत ताकत का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल वेंडेटा को भी पूरा कर सकते हैं। किसी के साथ अगर दुश्मनी निकालनी हो तो दुश्मनी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए देखा जाए हमारा देश दोस्तों हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स है, सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज है। हमारे देश के बहुत से ऐसे भाग हैं जो वो बोल देते हैं भैया हमको इंडिया से अलग होना है। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए लगातार पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता ही जा रहा है कश्मीर के इलाके में, इन्फिल्ट्रेशन लगातार चालू, एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है, और उस शेलिंग की आड़ में पाकिस्तान क्या करता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कुछ टेररिस्ट को आप कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की साइड में इंट्रोड्यूस कर देता है। और अब तो एक बड़ी खतरनाक टेंडेंसी देखने को मिल रही है कि भैया जितने भी कोविड अफेक्टेड लोग थे उनको गिलगित बल्तिस्तान ले गए और वहां से कुछ ऐसे टेररिस्ट जिनको इस चीज के लिए ट्रेन किया गया कि भाई इंडिया में अटैक करने, अगर उनको कोविड 19 हो गया तो उनको मिशन पे भेज दिया कि जाओ भाई कोविड 19 तो फैलाओ ही फैलाओ, बम भी चलाओ। तो इस तरीके की चीजें, तो अब इस तरीके की अगर चैलेंजेस हैं हमारे देश के सामने तो वहां पे भाई आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू कर सकते हो। अब जरूरी थोड़ी ना कि ये हमारे देश के किसी पर्टिकुलर पॉकेट में हो, कहीं पे भी हो सकता है। डेंजरस एलिमेंट्स हर जगह है, देश की आबादी ही इतनी बड़ी है, तो उन डेंजरस एलिमेंट्स को रोकने के लिए एक बार को कहा जा सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज गुड, बट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन दैट जो अथॉरिटीज हैं वो अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करें, नहीं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। अभी इसके बारे में और देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को किस किस जगह पे लगाया गया। आगे बढ़े दोस्तों, तो आप देखोगे आर्टिकल 22 को दो भागों में बांटा गया, टू पार्ट है यहां पे, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वो केसेस आते हैं जो ऑर्डिनरी लॉ से डील करते हैं, दूसरे पार्ट में वो केसेस आते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से डील करते हैं। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बना रखे हैं दोस्तों, कौन कौन से लॉ है देखिए यहां पे लिख रखे हैं मैंने, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो ऑर्डिनरी लॉ, अब ऑर्डिनरी लॉ में कौन कौन आ गया कि भाई देखिए मान लीजिए आपने कोई लॉ तोड़ा, कहीं पे आप गए, मान लीजिए आप एक बैंक में घुस गए, मैं आप बोल रहा हूं तो आप अपने लिए मत लीजिएगा, कोई एक पर्सन गया उसने बैंक तोड़ा, वहां से कैश चुराने की कोशिश की और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो भैया पुलिस ने पकड़ा तो जिस पर्सन को पकड़ा गया है ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड कि आपको कौन से ग्राउंड्स पे पकड़ा गया है, किस बेसिस पे पकड़ा गया है। तो आप देखोगे ना दोस्तों यूएस की मूवीज में बताया जाता है कि यू आर बीइंग अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, तो इंडिया में भी भाई जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि इंडियन पिनल कोड के इस सेक्शन के अंदर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इस दफा के अंदर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर्सन को बताओगे। दूसरा, उस पर्सन के पास ये राइट होगा कि वो एक लीगल, जिसको अरेस्ट किया गया वो एक लीगल प्रैक्टिशनर को, जो इस केस में मोस्ट प्रोबेबली एक लायर होगा, एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है वो, ताकि वो लीगल प्रैक्टिशनर उसके बिहाफ पे कोर्ट में उसके लिए लड़े। तो जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हो उसने जो भी किया है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है, एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। फिर भाई अगर आपको अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और इस 24 घंटे में जर्नी का टाइम इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यूपी में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीहड़ इलाके में आपको अरेस्ट किया गया, तो वहां पे मान लीजिए जज नहीं बैठता है, जज बैठता है वहां से 70-80 किलोमीटर दूर, आप कह सकते हो सब डिस्ट्रिक्ट में, तो भैया 70-80 किलोमीटर दूर जाने में 2-3 घंटे लगेंगे,
तो भाई पुलिस वाले ये बोल सकते हैं कि भाई 24 घंटे में 2-3 घंटे का टाइम इंक्लूडेड नहीं है? नहीं दोस्तों, 24 घंटे में वो 2-3 घंटे का टाइम जो जर्नी का टाइम है वो भी इंक्लूडेड होगा। तो जब आपको अरेस्ट किया गया उसके 24 घंटे के अंदर आपको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा पुलिस को, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस पेशी के बाद बताएगा कि अब आपको इन लोगों को फर्दर अरेस्ट रखना है या छोड़ देना है। अभी जो तमिलनाडु में केस हुआ था जहां पे 2 शॉपकीपर्स को पुलिस उठा के ले गई, क्या गलती की थी इन शॉपकीपर्स ने कि भाई जो भी लॉकडाउन के नियम इम्पोज किए गए थे, जो टाइम पीरियड था उस टाइम के बाहर वो ऑपरेट कर रहे थे, तो उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई, ठीक है। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी। उस पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। तो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे भी काफी सवाल उठे, कौन से बेसिस पे आपने इनकी जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी दी, समझ गए दोस्तों। तो देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने वाला जो क्लॉज होता है वो क्लॉज इसलिए होता है ताकि पुलिस कुछ एक्सेसिव या फिर कोई बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ना रख ले कि भाई पुलिस ने अपने मन के हिसाब से किसी को भी अरेस्ट कर लिया और पकड़ के बैठी है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया तो पुलिस को उस पर्सन को बताना पड़ेगा, भैया तुमको आईपीसी की इस दफा के अंदर अरेस्ट किया है, तुमको राइट है कि तुम एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते हो जो तुम्हारे बिहाफ पे डील करेगा हमसे और कोर्ट से, हम तुमको 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और फिर वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के हिसाब से हम तुम्हें अपने पास रखेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताएगा। अब देखिए यहां पे दोस्तों, ये जो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर जो भी अरेस्ट हो रही हैं, ये अरेस्ट की जो कंडीशंस मैंने आपको बताई ना, ये 4 कंडीशंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाली, ये कंडीशंस आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया गया तो आपके लिए ये परमिशन, ये जो आप अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन किया जाता है उसको आप फॉर्मली अरेस्ट नहीं बोलते हो, बोला जाता है कि भैया आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन किया गया, एक्चुअली वो अरेस्ट ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो भैया एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तो भाई ये सेफगार्ड्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे जो पहले वाले कॉलम में मैंने आपको बताया। प्लस अगर आप एक एनिमी एलियन हो तो आपको ये सेफगार्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो भैया अजमल कसाब इंडिया आया, तड़तर गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो क्या उसको ये कंडीशन अवेलेबल होंगी? नहीं होंगी। एनिमी एलियंस को एक्चुअली में कुछ अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वो तो हमारे देश का कानून इतना अच्छा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली में उनके पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं होती, सरकार चाहे तो कुछ भी ना दे उनको, ठीक है। यहां पे कुछ और पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने जो भी सुविधाएं बताई गई है एक पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बचाने के लिए, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि मान लीजिए किसी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि इस पर्सन को अरेस्ट कर दो, तो अगर किसी पर्सन को किसी कोर्ट के ऑर्डर पर अरेस्ट किया गया है तो भैया ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई ना फर्स्ट के अंदर, ये फुलफिल नहीं की जाएंगी। ये फुलफिल तो तब की जाएंगी ना जब पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया और आपको बचाने के लिए कोर्ट चाहिए, बट कोर्ट ने अगर किसी एक पर्सन के ऑर्डर को अरेस्ट किया तो ये फर्स्ट वाली कंडीशंस के अंदर जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा और आपको उसके लिए अरेस्ट किया गया तो ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर आपने कोई सिविल लॉ का वायलेशन किया है उसके लिए आपको अरेस्ट किया गया तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। अगर कोई एलियन है, यानी मान लीजिए कि कोई यूएसए से एक पर्सन यहां पे आया, कोई यूएसए से लेडी यहां पे आई, उसके पास 3 महीने का टूरिस्ट वीजा था, उसका 3 महीने का टूरिस्ट वीजा एक्सपायर हो गया, उस टूरिस्ट वीजा के एक्सपायर होने के बाद भी वो लेडी इंडिया में है, उसको इंडिया से उसने छोड़ा नहीं, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी और अरेस्ट करके उसको रिपोर्ट करेगी, तो वो अपने इस अरेस्ट के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकती कि भाई मेरे को ये फर्स्ट के अंदर ये सुविधाएं लेनी है कि भैया मेरे को एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाए और ये सब चीजें हो, ये सब सुविधाएं इस केस में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट वाली सुविधाएं कब मिलेंगी? ये फर्स्ट वाली सुविधाएं तब मिलेंगी जब आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो। सिविल एक्ट के वायलेशन के लिए भी आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। क्रिमिनल एक्ट किया हो या फिर कोई ऐसा एक्ट किया हो जो क्वासी क्रिमिनल नेचर का हो या फिर कोई ऐसा हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो उस केस में ये सुविधाएं मिल रही है दोस्तों। देखिए क्या होता है दोस्तों कि क्रिमिनल केस में इस तरीके की सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, सिविल लॉ में क्यों नहीं दी गई, आप में से कुछ लोग पूछोगे। देखिए क्रिमिनल केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब मान लीजिए किसी लड़की का रेप हो गया या फिर किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, किसी का मर्डर हो ही गया,
इस तरीके के जो चार्जेस होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई इंसान को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान के पास कुछ सेफगार्ड होने चाहिए, इसलिए इन सेफगार्ड्स को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे, ये डील करता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात की जाए तो देखते हैं भाई इसमें क्या बोला जा रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में यह बोला जा रहा है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है या डिटेन किया जा सकता है। अगर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है तो भैया आप 3 महीने तक पहले रहोगे जेल में या आपने डिटेंशन में रहोगे। मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर आपको 3 महीने तक रखा जा सकता है जेल में। 3 महीने के बाद अगर आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सटेंड करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठाया जाएगा। उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होंगे और वो एडवाइजरी बोर्ड ये बताएगा कि भाई इस पर्सन को 3 महीने के बाद डिटेन करें या ना करें। ठीक है, ये बात। तो भैया 3 महीने के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन करके रखा जा सकता है, उसके आगे रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको जब डिटेन किया गया, किसी भी एक पर्सन को मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए डिटेन किया गया, तो उसको बताया जाएगा कि उसको कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन किया गया है। फैक्ट्स बताए गएंगे कि क्यों डिटेन किया गया है, लेकिन अगर वो फैक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है तो उसको नहीं बताया जाएगा कि उसको क्यों डिटेन किया गया है। और मान लीजिए किसी एक पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन कर लिया गया तो एक रिप्रेजेंटेशन देने की चांस दिया जाएगा उस डिटेनी को। नहीं, डिटेनी एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट। ऑब्वियसली बात है, वो जो रिप्रेजेंटेशन देगा वो अथॉरिटीज के पास जाएगी, एडवाइजरी बोर्ड के पास जाएगी और फिर ये लोग डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है या गलत कर रहा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी अगर आपको पकड़ के बैठा रखा गया दोस्तों, तो भी आपको एक चांस दिया जाता है कि आप अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि आपको ऊपर कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगाया गया है, किस लिए आपको पकड़ के रखा गया है। हालांकि अगर कोई बहुत ही बड़ी चीज में आप इन्वॉल्व हो, नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आपको ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम 3 महीने के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, उसके आगे रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाई कोर्ट के जज बैठते हैं वो बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये आदमी खतरनाक है, इसको 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखो, तो ही रखा जाएगा। आर्टिकल 22 ने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कुछ और ताकतें भी दी हैं पार्लियामेंट को। अब देखते हैं भाई ये आर्टिकल 22 ने और क्या ताकतें दी हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट उस तरीके के केसेस को डिसाइड कर सकता है, उन सर्कमस्टांसेस को डिसाइड कर सकता है जिसके चलते एक पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर 3 महीने के लिए रखा जाता है। यानी पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बना सकती है और कह सकती है कि इस लॉ के अंदर में अगर ये कंडीशन वायलेट होने के चांसेस हैं, इस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर रख लो। यानी कौन से हालातों में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इस सब चीजों को बनाने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, किस तरीके के केसेस हैं, मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर तरीके के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, ये भी बताया गया। अब देखिए 3 महीने की मैक्सिमम लिमिट है, बट कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होंगे जिनमें केवल 15 दिन के लिए रखा जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 1 महीने के लिए, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 महीने के लिए, कुछ बहुत ही सीवियर होंगे तो 3 महीने के लिए। 3 महीने की अपर लिमिट है, 3 महीने के ऊपर जाना है तो एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। और एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाईकोर्ट जज बैठते हैं वो इंक्वायरी किस तरीके से करेंगे, इसका प्रोसीजर भी कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। हालांकि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक चेंज करने की कोशिश की गई थी, चेंज करने की कोशिश ये की गई थी कि देखिए 3 महीने से ज्यादा अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन अरेस्ट करके रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की वो चाहिए, हामी चाहिए। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या कहा गया कि नहीं भाई 3 महीने नहीं 2 महीने। यानी कि अगर 2 महीने से ज्यादा आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंद करके रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 3 से 2 महीने की बात क्यों कही गई, क्योंकि 1975 से लेकर 1977 के टाइम में इमरजेंसी लगी थी और इस इमरजेंसी में बहुत सारे लोगों को बिना किसी वजह जेल में डाल दिया गया, किसी वजह प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कौन कौन से लॉ को लगाया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या बोला कि भैया
तीन महीने नहीं, मैक्सिमम दो महीने के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर रख सकते हैं बिना किसी वजह के, और दो महीने के बाद रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए। लेकिन अभी भी इन प्रैक्टिस तीन महीने ही है दोस्तों, वो दो महीने ऑन ग्राउंड नहीं हुआ है। हालांकि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इमरजेंसी के प्रभाव से उभरने के लिए इसको तीन महीने से दो महीने करने की कोशिश की गई थी, ऑन ग्राउंड ये दो महीने हुआ नहीं, अभी तीन ही महीने, यानी अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर मैक्सिमम तीन महीने के लिए आपको रखा जा सकता है, तीन महीने के बाद ही आपका केस एडवाइजरी बोर्ड के पास जाएगा। अब बात यहां पे ये आती है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को बना कौन सकता है, क्या केवल पार्लियामेंट बना सकता है, क्या केवल स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं? देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, बशर्ते अगर लॉ रिलेट करता है आपका डिफेंस के फील्ड से, अगर लॉ रिलेट करता है आपका फॉरेन अफेयर्स के फील्ड से, अगर लॉ रिलेट करता है आपका सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, हमारी देश की सिक्योरिटी से, उस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ केवल यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। बाकी केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये ताकत है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ वो बना सकते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी और पार्लियामेंट के पास भी ये ताकत है कि भाई मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को लगातार चालू रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ बना सकती है। अभी के लिए देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो कि बने हैं, पहले सबसे पहला आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, 1969 में खत्म हो गया। फिर आया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीजा 1971 में, इसको 1978 में खत्म कर दिया गया। एक्चुअली मीजा 1971 में आया दोस्तों, और इस मीजा का बहुत गलत प्रयोग हुआ इमरजेंसी के दौरान। 1975 से लेकर 1977 में इमरजेंसी थी, कांग्रेस के अपोजिशन में जितने भी लीडर थे सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। तो लालू प्रसाद यादव जेल में बंद, मुलायम सिंह यादव जेल में बंद, और बड़े दिग्गज नेता सब जेल में बंद। उसी समय पे लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हुई 1976 में, तो इस एक्ट के नाम पे लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी मीजा का नाम रख दिया। ठीक है, ये राज्यसभा से एमपी है, ठीक है, तो ये लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम भी मीजा है। किसके बेसिस पे रखा गया? इसी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पे। फिर आगे बात की जाए तो कॉफेपोसा 1974 बहुत पावरफुल एक्ट है, क्या बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पैंडेमिक के दौरान इस एक्ट को इन्वोक किया जा सकता है। टाडा भैया बड़ा खतरनाक एक्ट था ये, इसको रिपील कर दिया गया 1985। भैया टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंदर तो किसी को भी अरेस्ट कर लो अगर वो इंडियन सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहा है। फिर आगे भाई प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। इसके अलावा एक और एक्ट है दोस्तों, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसको एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं, वो 1985 का है, ये 1988 का है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसको 2004 में हटा दिया गया। फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1967 में बना है, 2004 में अमेंड हुआ, 2008 में, 2012 में, 2019 में अमेंड हुआ। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अभी भी चल रहा है, इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन की काफी निंदा हुई हमारे देश में, ये बोला जाता है कि दुनिया भर की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन चलता नहीं, भाई इंडिया में क्यों चल रहा है? इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगलाइज कर दिया, ये बोला गया। जबकि आप देखोगे ब्रिटिश रूल के दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ करता था, ब्रिटिशर्स ने भी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को इस्तेमाल किया। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का नामो निशान नहीं है और आप इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लेके आ रहे हो, तो ये चीज गलत है। ये बातें यहां पर बोली गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में बहुत वॉइसेस हैं, सही है गलत है वो तो अब मैं नहीं बोलूंगा, क्या है वो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं आर्टिकल 23 की बात करेंगे, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ये क्या है, क्या कहा गया इस आर्टिकल में कि भैया प्रोहिबिट करेंगे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते, बेगार जिसको आप बोल सकते हो, फोर्स लेबर जिसको आप कभी कभी बॉन्डेड लेबर भी बोलते हो, या फिर किसी भी और तरीके का फोर्स लेबर बैन है। अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई वुमेन को आप कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में फंसाने के लिए उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि भाई नेपाल से इलीगली लड़कियां पकड़ के लाई गई इंडिया में, वो मुंबई के जो आप कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के हाउसेज है वहां पे उनको लेके जाया गया, और दूसरी जगहों से लेके आया जो गरीब घर के होते हैं वहां से बच्चियों को किडनैप कर लिया,
उनको यहाँ पे ले आया, उनको पाल पोड़ के बड़ा किया। बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, आपने देखा होगा मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे और ये जो चेन्नई, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज है, इनके ट्रैफिक सिग्नल्स में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपको भीख मांगते नजर आते हैं। एक छोटी सी बच्ची एक सोते हुए बच्चे को अपने गोद में लेके घूम रही होगी, वो बच्चा हमेशा सो ही रहा होता है, कभी जगता नहीं है। इस तरीके की सीन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ये पूरा रैकेट चलते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे इस तरीके के आपको कोई बच्चे दिखे ना भीख मांगते हुए, इनको कुछ मत दीजिए, एक रुपया मत दीजिए। इस रैकेट को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इनको कुछ भी ना दिया जाए। होता है ना हम लोग के दिमाग में होता है कि यार कितने गरीब, इनको पैसे दो मत दीजिए, क्योंकि उन्हीं बच्चों के जो दलाल होते हैं ना वो आसपास कहीं घूम रहे होते हैं, ठीक है, जैसे उनको आप पैसा दोगे वो उनसे पैसा ले लेंगे। ये पूरा एक रैकेट चलता है जहां पे बच्चों को प्रॉपरली किडनैप किया जाता है, उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर में जो दिखाया गया है काफी हद तक वो सच है, झूठ नहीं है वो। तो आर्टिकल 23 सीधे सीधे इस ट्रैफिकिंग को बैन करता है। आप ना वुमेन की ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, ना चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, और चिल्ड्रन में केवल लड़कियों की नहीं, लड़के लड़कियों सबकी ट्रैफिकिंग होती है। तो बहुत गलत है ये, इसको रोकना चाहिए, और इसको रोकना जितना सरकार का काम है उतना ही आप लोगों का और हमारा काम भी है। चलिए एक ये चीज हो गई। प्लस जो सेलिंग होती है और बाइंग होती है मेन वुमेन और चिल्ड्रन की गुड्स की तरह, तो अब देखिए आप बोलोगे कि आज की डेट में कौन आदमी और औरतों को खरीद रहा है भाई, आज की डेट में कौन चिल्ड्रन को खरीद रहा है, ये सब चीजें तो पहले हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, आज कहां होती हैं? होती हैं दोस्तों, थोड़ा अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई में कोई एक फैमिली होगी, उस फैमिली को अपने घर में काम करने के लिए कोई लड़की चाहिए होगी कि भैया वो घर पे रहे काम करें, तो वो फैमिली क्या करेगी कि किसी एक मिडिलमैन से मिलेगी, उस मिडिलमैन को वो फैमिली कुछ पैसे देगी, वो मिडिलमैन नेपाल के किसी गांव से या फिर यूपी के किसी गांव से, बिहार या फिर साउथ इंडिया के किसी गांव से एक गरीब फैमिली को झांसा देके उसको कुछ पैसे देके उसके घर के कोई छोटे लड़के को या लड़की को उस फैमिली के पास ले आएंगे। वो फैमिली उस छोटे लड़के या लड़की से दिन भर घर का काम करवाएंगे, खाने के लिए उसको कुछ गंदी सी रोटियां दे देंगे, ना उस लड़की की पढ़ाई होगी, बस वो दिन भर उस घर में काम करती रहेगी। तो दिस इज बेसिकली अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी और ये हो रहा है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो ये चीज रोकनी है। तो ये जो सेलिंग हो रही है ना मेन वुमेन और चिल्ड्रन की किसी भी फॉर्म में, इसको बंद करना है। ट्रैफिकिंग बंद करनी है, देवदासी की प्रथा बंद होनी चाहिए। आप बोलोगे देवदासी की प्रथा क्या होती है दोस्तों? देखिए देवदासी में क्या होता था कि अब एंशियंट इंडिया में और कुछ हद तक मीडियल इंडिया में भी जो टेम्पल हुआ करते थे ना, जो धर्म के ठेकेदार बैठते थे वहां पे कुछ लेडीज नाचती थी, वहां पे उन्हें बोला जाता था कि भाई ये भगवान की भक्त है, भगवान की गुलाम है। बट इस नाम पे उन लड़कियों का जो वहां के प्रीस्ट होते थे ना वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ये जो धर्म के ठेकेदार बनते थे, मैं सबके लिए तो नहीं करूंगा, देखिए देखिए बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर केसेस में इस तरीके की प्रथा का इस्तेमाल किया जाता था उन लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। तो देवदासी की प्रथा होती थी, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले तक थी, उसके बाद उसको बैन कर दिया गया, अब वो देखने को नहीं मिलती है। तो अब देखो कि इन सब चीजों को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पास किया था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। अब हम समझते हैं कि भाई ये जो मैंने आपको बताया कि बेगार फोर्स लेबर, ये बॉन्डेड लेबर, तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स तो हमने देखा, अब देखिए बेगार फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर ये क्या होता, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब देखिए बेगार में क्या होगा, देखिए पहले के जमाने में क्या होता था दोस्तों, आज के जमाने में भी कुछ हद तक होता है, अब काफी कम हो चुका, बट पहले के जमाने में ये बहुत ज्यादा होता था। जमींदार हुआ करते थे बड़े बड़े साहूकार, जमींदार, ये लोग करते क्या थे, ये लोग गरीब किसानों को पैसा दे देते थे, उनको पता होता था कि ये गरीब किसान पैसा चुका नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो गरीब किसान पैसा नहीं चुका पा रहा है, ना वो पैसा चुका पा रहा है, ना ही उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट चुका पा रहा है, तो उस केस में वो जो जमींदार है वो उस गरीब किसान से बोलेगा कि तुम मेरे खेत में आओ और मेरे खेत में आके काम करो, और उस काम का मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। तो बेगार हो गया ये, बेगार मतलब आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा, उसका आपको कोई पैसा मिल भी नहीं रहा है। कुछ ऐसा ही बॉन्डेड लेबर होता है। बॉन्डेड लेबर में क्या होता है कि जब वो पैसा देते थे तब उनसे एक पैक्ट साइन करा लेते थे या फिर एक स्टैंप पेपर में अंगूठा लगवा लेते थे और कहते थे कि भाई तुम अगर मुझे मेरा पैसा नहीं दे पाए तो तुम मेरे यहां पे काम करोगे, मेरे फील्ड्स में काम करोगे, या जब तक तुम मेरा पैसा नहीं चुकाते तब तक तुम मेरे फील्ड्स में काम करोगे। और कई कई केसेस में तो ये होता था कि उस पर्सन से ये बोल दिया जाता था कि तुम मर गए और अगर तुम बिना पैसा चुकाए मर गए तो तुम्हारे बच्चे भी मेरे फील्ड में काम करेंगे। मतलब उस एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, उसकी पूरी की पूरी फैमिली को ये गुलाम बना लेते थे। और ऐसा केवल लोअर कास्ट के लोगों के साथ नहीं, अपर कास्ट के लोगों के साथ भी होता था, जो कि ये काफी हद तक इकोनॉमिक
कैपेसिटी पे बेस्ड था इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन। तो ये बॉन्डेड लेबर, बेगार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देवदासी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी, अब ये सब कुछ बैन हो चुका है, ठीक है ना। और किसी भी फॉर्म में अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिस इंडिया में अगर हो रही है तो उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ पनिश किया जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस एक PIL फाइल कर दीजिए कोर्ट में, उसे एक पर्टिकुलर पर्सन को फाइल करने की जरूरत भी नहीं है। आप एज अ मॉडर्न सिटीजन आर्टिकल 32 के अंदर एक चिट्ठी लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई इस गांव में इस जगह पे ये हो रहा है, एनोनिमस चिट्ठी लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले लेगी। आजकल इतना आसान हो गया इन चीजों को करना, सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए बैठी है। अब ये जो आर्टिकल 23 के अंदर जो राइट है ये सिटीजंस और नॉन सिटीजंस दोनों के अवेलेबल है, होना भी चाहिए दोस्तों। अब किसी नेपाल से किसी एक लड़की को पकड़ के लेके आके आपने मुंबई के प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में फंसा दिया, अब वो तो नेपाल के सिटीजन है, तो अगर उसको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही तो सीधे सीधे पुलिस से जाके मदद मांगेगी ना। पुलिस बोलने लगेगी कि तुम तो भैया नेपाली सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तो वो तो गलत है ना। तो सिटीजंस और नॉन सिटीजंस दोनों को ये राइट अवेलेबल है। प्लस ये राइट केवल स्टेट के अगेंस्ट नहीं, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। तो आप देखोगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में स्टेट कहां इन्वॉल्व हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तो प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व है ना, पूरा का पूरा गैंग, पूरा का पूरा रैकेट चलता है इनका, जिसको रोकने की जरूरत है। इन सब चीजों को रोकने के लिए दोस्तों और लोगों के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बहुत सारे एक्ट भी लेके आई है सरकार। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट ऑफ 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये सब चीजें इन सब चीजों को रोकने के लिए ही लाई गई है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 को, अगर इमरजेंसी आती है तो आपके ऊपर कुछ सोशल सर्विस इंपोज की जा सकती है, आपके ऊपर कुछ मिलिट्री सर्विस इंपोज की जा सकती है, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल COVID-19 का पैंडेमिक फैला हुआ, कल की डेट में हेल्थ प्रोफेशनल्स बचे ही नहीं, तो भाई ये नियम सरकार लेके आ सकती है कि हर घर का एक पर्सन COVID-19 में एज अ हेल्थ वर्कर की तरह काम करेगा। तो भाई आर्टिकल 23 में एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि देश को जरूरत है तो आर्टिकल 23 में एक्सेप्शंस भी लाए जा सकते हैं। उसी तरीके से मिलिट्री सर्विस, अभी के लिए तो भगवान की दया से हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि किसी के दम नहीं हमारे अगेंस्ट में कुछ बोलने की। देखिए चाइना को रिट्रीट करना ही पड़ेगा, आगे करना ही पड़ेगा, लेकिन 1962 का जब वॉर हुआ था तो भाई हमारे सोल्जर्स कम पड़ गए थे, मिलिट्री सर्विस की जरूरत थी लोगों की। तो उस केस में सरकार अगर एक नियम भी लेके आती कि हाँ भाई कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करनी, यानी हर पर्सन का, हर फैमिली का एक बंदा कम से कम 4 साल के लिए मिलिट्री में काम करेगा, इस तरीके का भी कोई लॉ अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो मान्य होगा। तो ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 को कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इमरजेंसी में सोशल सर्विस की जरूरत है या मिलिट्री सर्विस की जरूरत है, तो उस केस में सरकार नियम कानून बना सकती है जो कि आर्टिकल 23 के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, बट फिर भी वो मान्य होंगे। बस ये नियम कानून जब भी बनाए जाएंगे तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्लास के आधार पे, रेस के आधार पे। ये है दोस्तों आर्टिकल 23। तो आई होप आपको मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.